हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कांस्टेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन के बारे में। ये चीज अगर हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन हो सकता है बहुत ज़्यादा चांस है कि आपने ये चीज यूज़ करी हो अपनी डेली लाइफ में। तो अगर ये ऐसा पता करना है और इस चीज़ के बारे में पूरा जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो कॉन्स्टेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन, जितनी भी आपकी स्कूटीज हैं वो सब कॉन्स्टेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन के ऊपर ही चलती हैं। चाहे आप प्लेजर ले लें या से होंडा एक्टिवा से लेके आप जुपिटर, जो मर्जी आप स्कूटी कंसिडर कर लें, वो कांस्टेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन के ऊपर ही चलती है। तो अब हम इसमें समझेंगे कि इसका मैकेनिज्म होता कैसे है। तो जो कांस्टेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन गाड़ियों में यूज होता है, कुछ कार्स में भी यूज होता है, लेकिन ज्यादातर हम इसकी एप्लीकेशन जो है वो हम अपने जितने स्कूटीज हैं उसमें देखते हैं। तो अगर हम इसको स्कूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर हम पूरा स्टडी करते हैं, कार में भी सेम होता है, लेकिन जस्ट चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। तो ये इसमें जो हमारे यहाँ सीवीटी यूज होती है, इसको हम सीवीटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो पुली बेस्ड सीवीटी यूज होती है हमारे स्कूटीज के अंदर। तो इस टाइप की एक पुली होती है, ये पुली है, इसमें एक फिक्स्ड प्लेट होती है, एक मूविंग प्लेट होती है, और ये हमारी वी बेल्ट है। वी बेल्ट कुछ इस टाइप की होती है, वी, ये वी ऐसी बेल्ट नहीं होती, इस शेप की बेल्ट होती है। तो जो भी आपकी स्कूटीज होती हैं, इंजन और जो ट्रांसमिशन आउटपुट है जो टायर के साथ जुड़ी होती है शाफ्ट, उसके बीच इस टाइप की पुली होती है बीच में। और अगर हम यहां से देखें लो गियर में, जो हमारी ड्राइविंग शाफ्ट है, ड्राइविंग शाफ्ट जो क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ी होती है, तो ये यहाँ मान लीजिए यहाँ हमारा इंजन है, तो यहाँ हमारा इंजन चल रहा है नॉर्मल, जैसे हमारा इंजन काम करता है, वहां से हमारी आउटपुट जो है वो ड्राइविंग शाफ्ट है, उसके एंड पे एक पुली लगी हुई है और एक हमारी ड्रिवन शाफ्ट है, जो कि अगर हम यहाँ कंसिडर करते हैं तो ये हमारे टायर को मूव करती है ये चीज, ये जो हमारी ड्रिवन शाफ्ट है। तो जब लो गियर होता है तो जो हमारी बेल्ट है वो ड्राइविंग शाफ्ट के बिल्कुल मीडियम, बिल्कुल स्मॉलेस्ट पोजीशन पे होती है, मतलब बिल्कुल मिनिमम पोजीशन पे होती है, जो उसका मिनिमम पोजीशन है वहां पे होती है, और जो हमारी ड्रिवन शाफ्ट है उसके मैक्सिमम पोजीशन पे होती है। तो जब ये शाफ्ट घूमती है वो यहां से जो पावर होती है और टॉर्क होता है उसको ट्रांसमिट करती है ड्रिवन व्हील में। तो लो गियर में हमारा स्पीड मिनिमम होती है और जो टॉर्क है मैक्स होता है। तो जब हम जो अपना व्हीकल होता है उसको स्टेशनरी, मतलब हमारा व्हीकल खड़ा हुआ है अभी, अभी उसको चलाना है, तो अभी उसको चलाने के लिए हमें जो टॉर्क, यानी टॉर्क को अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो जोर, गाड़ी को चलाने के लिए कितना जोर चाहिए, तो वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम चाहिए होता है जब हमें स्टेशनरी से चलाना होता है, और स्पीड मिनिमम चाहिए होती है जब आप इनिशियली अगर गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं और एकदम ही वो स्पीड से भाग जाए तो अनकंट्रोलेबल हो सकती है। तो हमें वहां पे हमारे पास वो टॉर्क चाहिए और स्पीड बिल्कुल मिनिमम चाहिए। तो जब ये पोजीशन होती है, अगर हम इसका साइड व्यू से देखें तो इसकी गियर रेशियो 3:1 हम ये समझ सकते हैं। अगर हमारी ड्राइविंग शाफ्ट जो है वो तीन बार घूम रही है तो हमारी ड्रिवन शाफ्ट या जो आउटपुट शाफ्ट है वो एक बार घूमेगी, तो जो स्पीड है वो 3:1 हो जाएगी। अगर मान लीजिए ये 300 बार घूम रही है एक मिनट, 300 RPM पे घूम रही है 300 बार एक मिनट में, तो ये 100 बार घूमेगी। लेकिन यही चीज आपका जो टॉर्क है या जो जोर है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 Nm टॉर्क आ रहा है तो ये यहाँ पे 9 Nm टॉर्क ट्रांसमिट करेगी। तो टॉर्क को जो है ऑलमोस्ट 3 times से इंक्रीज करके बीच में मैकेनिकल लॉसेस को कंसिडर करके वो ट्रांसफर करेगी। तो यहाँ पे हमारी स्पीड मिनिमम होगी और जो टॉर्क था वो मैक्सिमम हो गया। तो ये बेल्ट अगर हम इसको साइड व्यू से देखते हैं तो ये यहाँ पे, ये जो बेल्ट थी ये यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे मिनिमम पोजीशन पे लो गियर में, जो हमारी ड्राइविंग शाफ्ट है। तो इसमें एक शाफ्ट जो होती है वो जैसे हमने देखा था फिक्स्ड होती है, जो मूविंग शाफ्ट होती है वो मूव होती है। तो जब हम रेस देते हैं या एक्सेलरेट करते हैं हाथ से, तो ये वाली जो हमारी एक प्लेट होगी ये आउटसाइड को मूव करेगी और ये एक इनसाइड को मूव करेगी। तो जो उसकी मूविंग प्लेट होती है ये फोर्स की वजह से ये हमारी फिक्स्ड प्लेट होगी, ये हमने फिक्स्ड प्लेट मानी, जैसे हम रेस देंगे ये और स्पीड से घूमेगी, ये
आउटवर्ड्स को पुश होगी, तो आउटवर्ड्स को पुश होगी तो ये इसका डिस्टेंस जो है कम होगा, लेकिन बेल्ट की लेंथ उतनी है तो इसलिए यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए ये खुलेगा। तो जब ये खुलेगा तो हमारा हाई गियर आएगा, हाई गियर में जो टॉर्क जो होगा वो कम होता जाएगा। अगर हम फुल एक्सेलरेशन पे तो टॉर्क मिनिमम हम कंसिडर कर सकते हैं, और जो हमारी स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इसमें देख सकते हैं जैसे जो हमारी बेल्ट में थी, जो हाई गियर में जो हमारी ड्राइविंग शाफ्ट है उसमें जो वी बेल्ट है वो एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे है, मतलब बाहर वाली पोजीशन पे है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और जो हमारी ड्रिवन शाफ्ट है उसमें जो हमारी वी बेल्ट है वो मिनिमम पोजीशन पे आ गई है। तो मिनिमम पोजीशन पे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 2:1 हो गया, ये वेरिएबल हो रही है कॉन्स्टेंटली। और यहाँ अगर हम बराबर स्पीड देखें तो 1:1 पे जो है जितने स्पीड पे ये घूम रही होगी ड्राइविंग शाफ्ट उतने पे ही हमारी ड्रिवन शाफ्ट या आउटपुट शाफ्ट घूम रही होगी। और अगर हम इसको यहाँ पे देखें ये ओवरड्राइव कंडीशन आ गई, ओवरड्राइव कंडीशन तब होती है जो हमारी ड्राइविंग शाफ्ट जो ड्रिवन शाफ्ट होती है उसकी स्पीड ड्राइविंग शाफ्ट से ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे 0.75:1 का मतलब है कि अगर हमारी इनपुट शाफ्ट जो है वो 750 आरपीएम पे घूम रही है तो हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है वो 1000 आरपीएम पे घूमेगी। इसमें घूमने में ये फर्क है कि जैसे ही ये घूमेगी तो हमारी स्पीड जो होगी वो आउटपुट और मैक्सिमम होगी। तो जब आप फुल रेस देते हैं तो इस कंडीशन में हमारी जो शाफ्ट है वो आ जाएगी, जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम, ये मिनिमम पोजीशन पे होगा, ये मैक्सिमम पे होगा। तो इस टाइप से हमारे को टॉप स्पीड मिलेगी और टॉर्क मिनिमम मिलेगा। ये साइड व्यू से गियर रेशियोस कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ये है कि कॉन्स्टेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन, कॉन्स्टेंट स्पीड मिलती है आपको, जो स्पीड है वो आप पॉइंट पॉइंट से वेरी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको एक्सेलरेशन देना है आपको गियर चेंज अप डाउन करने की जरूरत नहीं, आप जस्ट एक हाथ से ही पूरी स्पीड को वेरी कर सकते हैं इजीली, बहुत इजीली। और अगर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देखें तो ये इसकी जो लिमिटेशन है कि ये कितना टॉर्क ट्रांसफर कर सकती है, जो नॉर्मल हमारी स्कूटर्स में यूज होती हैं बेल्ट्स वो तो फाइबर या फाइबर बेस्ड मटेरियल की बेल्ट्स बनी होती हैं, लेकिन जो हमारी कार्स है उसमें मेटल बेल्ट्स भी यूज करी जाते हैं। इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी मैनुअल ट्रांसमिशन से कम होती है, ऑलमोस्ट 88% के एफिशिएंसी देता है हमारे को सीवीटी, पुली बेस्ड सीवीटी। और जो ये टॉर्क है ये एक लिमिट तक ही प्रोवाइड करता है, इसलिए जो लो इंजन यूज होता है तो आप तभी देखेंगे स्कूटीज ऑलमोस्ट 100 से 150-160 सीसी तक ही आती है और उसमें यूज होती है, लेकिन बाइक्स आपकी 1000-1200 सीसी तक जाती है और उनमें गियर बेस्ड सिस्टम होता है क्योंकि उसकी ओवरऑल जो आउटपुट है वो अच्छी होती है सीवीटी से। लेकिन ये स्कूटर्स के लिए एक चीप एंड बेस्ट ऑप्शन है, इजी टू लर्न है और इजी टू सर्विस भी है क्योंकि इसमें बहुत कम पार्ट्स यूज होते हैं, जो इसके स्प्रिंग्स वगैरह वो काफ़ी कम खराब होते हैं, इसलिए आपके स्कूटर्स में ये चीज़ देखी जाएगी। तो होप करता हूँ आपको समझ आया होगा कि आपका स्कूटर में जो कॉन्स्टेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन है वो कैसे काम करता है और कार्स में भी ऐसे काम करता है। और ऐसी वीडियोज़ को और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।